ग्वालियर नगर की जिम्मेदारी सौंपकर भाजपा ने बड़ा दायित्व सौंपा है, जिसे पूरी निष्ठा से पूरा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी जान से जुट गए हैं। एमपी न्यूज से खास बातचीत में वर्मा ने कहा कि ग्वालियर में पहले से ही बीजेपी का संगठन मजबूत है और बतौर प्रभारी वो हर तरह से सिंधिया के गढ़ को भाजपामय बनाने में नई रणनीति के साथ जुटेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए तमाम संभागों में अपने प्रभारी भेजे हैं और ग्वालियर नगर के प्रभारी राऊ विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर बीजेपी नेता मधु वर्मा जी को सौंपी गई है। वो फिलहाल हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। आइए सीधी बातचीत करते हैं। मधु भैया, संगठन के लिए बीजेपी के लिए आपने लगातार काम किया है, अब ग्वालियर जैसे बड़े गढ़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर सौंपी गई है, किस तरह से जिम्मेदारी को लेते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे को जवाबदारी दी है, निश्चित ही ग्वालियर के हमारे सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सबको विश्वास में लेकर के हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा ग्वालियर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता भी वहाँ से रहे हैं और निश्चित है कि हम आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे और मजबूत हो और उनके साथ कैसे तालमेल बिठा कर सबको एक साथ लेकर के हम काम करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्षेत्र भी माना जाता है, वो केंद्र में मंत्री हैं, अब बीजेपी के ही नेता हैं, तो किस तरह से वहाँ पर संगठन को आप मजबूत बनाएंगे, क्या कोई रणनीति तैयार कर ली है बतौर प्रभारी आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी को कोई रणनीति तैयार नहीं करना पड़ती। आज भी देखो, हमारे संगठन की मंडल की बैठक थी, है ना, मंडल के कार्य समिति थी, तो हमेशा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी के काम बढ़ाने के लिए काम करती रहती। आज मैं जा रहा हूँ, इसके पहले भी वहाँ पर लोग काम करते थे और लगातार, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हर कार्यकर्ता को चालना देती रहती है, कहीं ना कहीं उसको काम देती रहती है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मजबूत रहे और आने वाले समय के अंदर जब चुनाव हो या पार्टी की कोई गतिविधि तो वहाँ पर वो बिल्कुल उस रूप में काम कर सके। आपने पूरे इंदौर में विकास के लिए काम किया है, लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स इंदौर को दिए हैं, नई उड़ान इंदौर ने भरी है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री भी इंदौर से ही आते हैं, तुलसीराम सिलावट, तो ऐसे में क्या आपकी और मंत्री जी की जो जोड़ी है ये ग्वालियर के विकास का भी कुछ खाका खींचने वाली है? ये इससे उसको मत जोड़ें आप, मैं संगठन की दृष्टि से मुझे भेजा है, मुझे विकास की दृष्टि से नहीं भेजा और मुझे तो कोशिश मैं करूँगा कि संगठन का काम जितना भी अच्छे से अच्छा और कार्यकर्ताओं को लेकर हम करें, चूँकि एक सरकार का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं होता। जो संगठन क्या पार्टी के काम के लिए, संगठन के काम के लिए मेरे को भेज रही है वहाँ पर, और तुलसी भाई तो वहाँ है ही, मतलब प्रभारी मंत्री, तो निश्चित है कि वहाँ के कार्यकर्ता उनको बोलेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि बोलेंगे और तुलसी भाई भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने में तुलसीराम सिलावट जी का कोई जोड़ नहीं है। निश्चित है कि ग्वालियर वालों को वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी तकलीफ और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और विकास के अगर काम है तो निश्चित है वो करेंगे। एक चुनौती सामने है, लगातार कमलनाथ जी रणनीति बदल रहे हैं, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को वो पार्टी से जोड़ने में लगे हुए हैं, क्या कांग्रेस आपको लगता है कोई चुनौती बनेगी ग्वालियर जैसे बड़े संभाग में या ग्वालियर नगर की अगर हम बात करें? कांग्रेस तो है ही नहीं मेरे हिसाब से, अब कुल मिला करके क्या है, वो अस्तित्व बचाने के लिए वो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अभी उपचुनाव होंगे तो निश्चित है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कहाँ पर है। एक आखिरी सवाल, किस तरह से इस जिम्मेदारी को लेते हैं, क्योंकि इंतजार तो नगर निगम की चुनाव का हो रहा था और यहाँ पर संगठन ने नए प्रभारी नियुक्त करके एक रणनीति में बदलाव कर दिया? नहीं नहीं, प्रभारी तो पहले भी बनाते थे, हमारे यहाँ सिस्टम रहा संगठन का, चूंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाया, पहले मैं इसके पहले खंडवा जिले का पूरे प्रभारी था, लगातार मैं 2 साल 2.5 साल रहा और कोरोना के कारण क्या हुआ, फिर ये प्रभारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, वापस से भी मतलब संगठन ने विचार किया कि कहीं ना कहीं अब लगातार क्या होता है, ये संगठन का क्या होता है, एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का कि कहीं ना कहीं एक जवाबदार कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और ताकि संगठन के कहीं ना कहीं कुछ रचना ऐसी होती है कि उस रचना के अंदर जैसे काम करते हैं। आज भी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सारे मंडलों को मजबूत करने के लिए, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए, और ये मंडलों की बैठक हो रही है और इस मंडलों के अंदर बैठक के अंदर हमारे जितने नए कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ते हैं या मंडल में नई कार्यकारिणी बनती है, नए लोग आते हैं, तो कम से कम पार्टी के जो संस्कार हैं, पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी के किस तरह से हमारी अभी तक मतलब आज तक जो पार्टी खड़ी हुई है यहाँ पर आके हम आज इतनी ऊंचाई पर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं संगठन को कार्यकर्ताओं को मालूम रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं को कई चीज़ें सीखने को भी मिलती है यहाँ पर इस माध्यम से। आखिर में आपने संस्कारों की बात की, विचारधारा की बात की, जनसंघ के ज़माने से भाजपा कैसे इस रूप में आकर खड़ी हुई इसकी बात की, क्या संदेश आप कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल का कार्यकर्ता अति महत्वाकांक्षी देखने में आ रहा है, जब सत्ता में होती है पार्टी तो कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षाएँ भी चरम। देखो एक चीज़ बताऊँ, राजनीति होती ये चीज़ है, हर कार्यकर्ता की उम्मीद रहती है कहीं मैं मंडल में कुछ बनूं, कुछ लोगों की इच्छा होती है नगर के अंदर, चूंकि ये काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, निश्चित है कि इनकी इच्छा होती है, सभी की इच्छा होती है और कोई ना कोई
हर कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसे होते हैं वो संगठन में काम करना चाहते हैं, उनको कोई पद नहीं चाहिए। कुछ कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम उस पद पर आके काम करें। कुछ कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अगर चुनाव हो तो उस समय चुनाव में भी हमको जवाबदारी मिले। तो निश्चित है कि ये तो क्या है, राजनीति चीज़ ही वैसी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा रखता है और उसको कहीं ना कहीं जब पार्टी भी उसको जो अच्छा काम करता है या लगातार मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं चूंकि इलेक्शन होते हैं तो उसको जवाबदारी देती है। ग्वालियर के किले में बीजेपी के झंडे लहराते नजर आएंगे भविष्य में, ऐसा नज़ारा भी देखने? नहीं नहीं, मैं तो ये कहूँगा उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे वहाँ गड़े हुए, वहाँ पर कई बार मेयर बने हैं, वहाँ की विधानसभा की सीटें जीते हैं, वहाँ पर अपने बहुत सारे बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर मैं तो एक कार्यकर्ता के छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में जाके काम करूँगा उनके बीच में, और कुछ चीज़ कमी होगी तो वहाँ सीखूंगा भी कार्यकर्ताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कितनी सादगी से सूझबूझ के साथ जवाब दे रहे हैं मधु वर्मा, और कह रहे हैं कि ग्वालियर का किला कहें या फिर महाराज के गढ़, ग्वालियर की ही बात क्यों ना कर ले, वहाँ पर बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा पहले भी मजबूत था और वो मजबूत करने के लिए बतौर प्रभारी अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News इंदौर।